आगरा से बड़ी खबर, जनपद आगरा प्रशासन ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की थी। आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह और पुलिस अधीक्षक एसएसपी बब्बू कुमार ने की मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों से बातचीत। ईद उल अजहा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों से बातचीत भी की। इस वक्त हमारे संग मौजूद हैं ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के अध्यक्ष, इनसे हम जानते हैं कि जो बातचीत हुई है क्या मामला के सामने आया। अरे ये आपने कहीं बातचीत है पुलिस प्रशासन को लेकर, क्या मामला सामने आया, क्या निर्देश दिए? ऐसा था, पिछले दिन प्रशासन के आला अधिकारियों ने जो है, डीएम ने, एसएसपी साहब ने जो है मीटिंग बुलाई थी मुस्लिम जिम्मेदार लोगों की। वहाँ गए, हमने भी अपनी बात रखी और बात ये हुई कि ईद के दिन, पिछली ईद पर जो है ईद उल फितर के मौके पर मस्जिदों में नमाज नहीं होने दी, 5 लोगों ने नमाज पढ़ी जो गाइडलाइन थी, ख़ास तौर पे ईदगाह और जामा मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़ी जानी थी। तो ईद जामा मस्जिद में चंद लोगों ने नमाज पढ़ी और ईदगाह में जहाँ लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं जो है प्रशासन ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। तो हम ये चाहते थे कि अब इस ईद पर जो है, चूँकि मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि कुर्बानी की वजह से, तो हमने उनसे मांग की, प्रशासन के सामने रखा कि मुफ्ती साहब जो हैं वो वहाँ ईदगाह के इमाम होते हैं, लिहाजा वहाँ कुछ लोगों को इजाज़त दे दी जाए ताकि ईद की नमाज ना हो जाए। बल्कि ईद की नमाज जो है, बल्कि नमाज जो है वो इज्तिमाई होती है, जब हम सब इकट्ठे होकर दुआ करते हैं गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनने के बाद, तो इज्तिमाईत में जो है वो बरकत होती है। इस्लाम ने इज्तिमाईत को ज़्यादा अहमियत दिया कि सब उठा के, हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये जो है कोरोना जो है वो भाग जाएगा।